नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही। बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है जम्मू कश्मीर में। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि लगातार अब डेली वेजर्स, रेबरे खेल, रेबरे जंगलात के लोगों के हकों की आवाज को बुलंद करने की जरूरत है। और केंद्र सरकार के साथ हाथ मिलाकर अगर काम किया जाता है तो जाहिर तौर पर आप देखिए पिक्चर बदल सकती है। पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुरे हालात देखे हैं, अब चुनाव खत्म हुए हैं, राजनीति को छोड़कर आम लोगों की भलाई के लिए काम करने की जरूरत है। लोगों की भलाई के लिए यहां पर अगर कदम उठाए जाते हैं तो जाहिर तौर पर आप देखिए आम जनता को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से रोड मैप तैयार करने की जरूरत है कि आम जनता की तरफ से जो काम कहे गए हैं, जो दावे आप लोगों की तरफ से किए गए हैं, उसे जमीनी सतह पर अब उतारने की जरूरत है। डेली वेजर्स, रेबरे खेल, रेबरे जंगलात और लोगों की मुसीबतों की तरफ अब ध्यान देने की जरूरत है। होमगार्ड की तरफ भी आप देखिए ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा दावा और बड़ा बयान जारी किया गया है, क्योंकि रविंदर रैना अपनी पूरी बात सामने रखते नजर आए हैं। लोगों की मुसीबतों को ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत है, सब बातों को भुलाकर एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है और जम्मू कश्मीर की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है पूर्ण बहुमत के साथ। लेकिन इस वक्त जो मैंडेट जनता ने दिया है, चाहे वो बीजेपी को दिया है या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है, अब इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो मैनिफेस्टो के अंदर आप लोगों की तरफ बड़े दावे पेश किए गए थे उस पर किस तरह से अब चिंतन मंथन होना चाहिए, इसी पर गौर फरमाने की जरूरत है। लेकिन स्पेशल तौर पर डेली वेजर्स का नाम लिया गया कि डेली वेजर्स को मद्देनजर रखते हुए काम करने की जरूरत, रेबरे खेल के जितने भी लोग हैं, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा धरने प्रदर्शन पर ये बैठ गए थे और काफी तरीके से उम्मीदें इनकी सरकार के साथ है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बन गई है तो इन लोगों की भी आवाज को बुलंद किया जाएगा। रेबरे जंगलात के अंदर भी जो समस्याएं इन लोगों को पेश आ रही थी उस पर भी काम करने की जरूरत है। और साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि अब होमगार्ड एसोसिएशन की तरफ से भी लगातार अपनी मांग को उठाया गया है, एनवाईसी की तरफ से भी यहां पर आप देखिए किस तरह से अपनी मांग को उठाया गया है। तो ये तमाम मुद्दे जम्मू कश्मीर के अंदर हैं जहां पर फोकस करने की जरूरत है और इन सब बातों को आगे लाने की जरूरत है, क्योंकि मतभेद को छोड़कर, राजनीति को छोड़कर काम करने की जरूरत है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। डॉक्टर इस वक्त सुखविंदर सिंह हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। डेली वेजर एसोसिएशन के ही यहाँ पर हमारे साथ अध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह ताज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संजय बड़ू जी ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है, बीजेपी पार्टी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं ताज जी आप ही के पास आऊंगी। आज एक बड़ा बयान जारी किया गया और कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलकर काम करने की जरूरत है और मुद्दों पर काम करने की जरूरत है, जिसमें डेली वेजर्स को गिनाया गया, रेबरे खेल को गिनाया गया, रेबरे जंगलात को, होमगार्ड्स को, एनवाईसी को और भी कई लोगों को गिनवाया गया। ताजी आशा मैडम शुक्रिया आपका। देखिए मिलकर काम करने की जरूरत जो कही अच्छी बात है, लेकिन अपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी हो, ये अपने बेनिफिट के लिए हमेशा मिलके काम करते हैं, चाहे पे 8 से 25 हजार करनी हो, 25 से 60 करनी हो, 60 से 1,80,000 करनी हो, ये कर लेते हैं। लेकिन जब लोगों का हित का काम आता है फिर वो सियासत आड़े आ जाती है, फिर रूलिंग अपोजिशन का खेल खेला जाता है। तो मैंने पिछले जब से सरकार बनी है, हम आपके चैनल के माध्यम से बड़ी बार ये बोल चुके हैं, जैसे हमारा मुद्दा है ये एक इंसानी मुद्दा, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, एनसी ने और जितनी पॉलिटिकल पार्टियां जम्मू कश्मीर में सब रखा था। तो हम ये चाहते हैं कि 90 के 90 MLA, जैसे स्कॉर्पियो नहीं उनको दी जा रही है उस मुद्दे पे वो इकट्ठे हुए, हमारे मुद्दे पे वो इकट्ठे हुए, गरीबों का मुद्दा है, इंसानी मुद्दा है, इस मुद्दे पे सभी लोग इकट्ठे हों। ठीक है संजू जी, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से स्कॉर्पियो के लिए सब MLA इकट्ठे हो गए, मंत्री इकट्ठे हो गए, इस तरह से डेली वेजर्स के मुद्दे को लेकर भी इकट्ठे हो जाना चाहिए। देखिए नमस्कार, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि उसके लिए मतलब शुभकामनाएं करनी चाहिए, और जैसे अभी काफी देर के बाद जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए हैं, सरकार बनी है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जहां सरकार का अपना रोल रहता है विपक्ष का भी बड़ा रोल रहता है। जहां तक हम जम्मू कश्मीर की बात करें
जो सरकार बनी है उसको मैक्सिमम सीटें कश्मीर संभाग से मिली हैं और जम्मू की मैक्सिमम सीटें हमें भारतीय जनता पार्टी में को मिली हैं। तो ठीक है, जो शुरुआत हुई है एक अच्छा जेस्चर मैं कहूंगा। अभी हमने देखा 2-3 दिन पहले जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला जी, वो दिल्ली में जाके केंद्र सरकार के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी से मिले हैं, गृह मंत्री जी से मिले हैं। ये अच्छी एक शुरुआत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये जो मुद्दों की आपने बात की है, अगर आपको याद होगा 2014 के बाद इन मुद्दों पर काम करने की शुरुआत हुई, लेकिन वो सरकार पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई। और आपने देखा जब धारा 370 और 35A हटने के बाद जम्मू में जहां तक विकास की एक धारा की बात थी, बड़ी तेजी से विकास कार्य शुरू है, उसमें बड़े बड़े काम हुए हैं, कुछ काम पाइपलाइंस में है, चल रहे हैं, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। सुखविंदर जी, लेकिन ये बिल्कुल मैं मानता हूं जो अभी ये डेली वेजर्स का मुद्दा है, ये तो बहुत गंभीर मुद्दा है। और अब मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो तो जादू लेकिन रिटायर संजय भी हो गए जी, हैं, जो गंभीर रिटायर कहने के से कुछ नहीं होगा ना होने वाले सुखविंदर हैं जी, और पूरे गंभीर पूरा मुद्दा जीवन है वो उनका कह रहे निकला हैं है। और तो इस पर ये काम करने की जरूरत है। सरकार पिछले के साथ 30 से 32 सालों से ये लोग कंधे से कंधा धरने मिलाकर प्रदर्शन सहयोग ही कर रहे हैं। करेगी अब ऐसे तो लोगों आधी से। उम्र ही इनकी धरने प्रदर्शन में चली गई है। अब क्या सबसे लगता है, पहले तो दिनेशु आपकी तमाम कॉन्फ्रेंस को पैनल इनके बारे में सोचने की जरूरत है कि नहीं? सबसे पहले तमाम पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए कि ये जो मुद्दा ये है, बरकत अली जी के साथ भी संपर्क कीजिए प्लीज। हाँ बोलिए। ये जो मुद्दा जो बीजेपी के प्रवक्ता ने उठाया, देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूंगा। जब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये स्कीम लॉन्च की थी, जैसे रेबरे जरात, रेबरे खेल, रेबरे सेहत, तो तब उनका एक मिशन था कि जम्मू कश्मीर का जितना भी युवा है वो कम से कम एक एम्प्लॉय हो सके और वो अपना घर बार चलाने की कोशिश कर सके। तो कहीं ना कहीं 10 साल मुझे लगता है, जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता ने ये कहा है, तो मैं इनको ये जरूर पूछूंगा कि 10 साल आपके पास यूपी पे ही सेंटर आपके पास है, आपको कम से कम इन लोगों को देखना चाहिए था। ये लोग आमतौर पर हम देखते थे कि जम्मू के नेता लोगों के घर का घेराव करके बैठ जाते थे, इनको इंसाफ उस वक्त आपने दिया। आज आप अगर ये कह रहे हैं कि एक मुद्दा है, तो इस पे आपको 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 ये चीज आपको भी क्लियर करनी चाहिए थी। रही बात इनकी होमगार्ड रैबरे खेल रैबरे जरात, तो मैं आपको ये जरूर क्लियर कर दूं। जैसे बहुत सारे हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स का मुद्दा है, वो बेचारी दो दो साल उनको जो है उनकी पे नहीं मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं ये आप स्टेट को आप हमें स्टेट रोड मिलने दीजिए, तो कहीं इनके ऊपर 4 अक्टूबर के बाद भी अब जब फर्स्ट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमारी यहाँ लगेगी, तो सुखविंदर उसमें जी, भी ये जी सुखविंदर जी, जब आप लोगों की तरफ से मैनिफेस्टो लिखा गया था उसमें ये नहीं लिखा था कि पहले स्टेटहुड मिलेगा उसके बाद हम आम जनता के लिए काम करेंगे? ताजी जरा इस पर जवाब दीजिएगा। देखिए देखिए हमारा मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि स्टेटहुड मिलेगा तो ही ये काम हो गए। हमने ये काम किए हैं, ये हमें पता है इन लोगों को कैसे एंगेज करना है, इनको कैसे वापस सर्विसेज देनी है, इनको कैसे इनकी पे स्केल बढ़ानी है। तो ये चीज अगर बीजेपी अगर आज ये कहने की कोशिश कर रही है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो मैं समझता हूँ 10 साल इनके पास इनकी हुकूमत है, आपीएल जी इनका ये कल ही अनाउंस कर दें कि सारे जितने अनएम्प्लॉयमेंट है, जितनी ये हमारी स्कीम है, इनको पक्का कर देते हैं। तो हमने कब इनको रोका चलिए था? संजय जी दस जवाब साल दीजिए। वो कह दस रहे हैं कि साल 10 सालों इनके से तो पास आप ही ने पावर नहीं राज थी। किया, कर देते इनके मुद्दे का हल। आर यू ताजी, एक सेकेंड। देखिए, आज जब नई सरकार बनी है और मिलकर काम करने की बात हो रही है, और आज के दिन ही देखिए आप ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता किस तरह से सियासत कर रहे हैं। मैं इनसे एक प्रश्न पूछता हूँ, प्रश्न ये हमसे पूछते हैं, इनकी ये वॉइस जितने मुझे भी लोग क्लियर नहीं लगाए सुनाई गए, दिया थोड़ा सा। खासकर जो डेली वेजर्स लगाए थे, हजारों की तादाद में जो है जिनका रिकॉर्ड ही नहीं था, इनके अफिसरों ने, कुछ इनके मंत्रियों ने ऐसे लोगों का पूरा जीवन तबाह कर दिया है, और ये आज हमसे सवाल पूछते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब कोलेशन गवर्नमेंट 2014-15 में बनी थी, तो सबसे पहला काम किया था कि हम उस सरकार ने ये फैसला किया था कि कोई भी एक डेली वेजर जो है वो सरकार नहीं लगाएगी, क्योंकि पहले ही इन्होंने लाखों परिवारों को बर्बाद किया है। और आज जब मिलके काम करने की बात हो रही है और ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं, ताजी, सवाल हम पूछेंगे भाई वो कह साहब, रहे हैं कि जो हमें मुद्दे सवाल क्यों लेके पूछा जा रहा है, आपकी सवाल तो सरकार हम में आए जाने। हैं, ठीक है अभी सुखविंदर जी, एक सेकंड, चुनाव में ताजी जीते हुए का क्वेश्चन तो हम पूछेंगे, ताजी, विपक्ष के लोग अब फिर पूछेंगे से आपसे। सियासत के बीच में पिस कर रह जाएंगे। एक सेकंड, एक सेकंड सुखविंदर जी, एक मैं सेकंड एक चीज बात का ताजी, जवाब ही दे रहा हूँ। 2 मिनट टाइम दीजिए, 2 मिनट। जैसे संजय जी ने कहा इनका रिकॉर्ड कोई नहीं है, तो संजय जी मैं आपको बड़ी बार क्लियर कर चुका हूँ, आपने जो एक कमेटी बनाई थी 5 मेंबर की, हमने उनको भी क्लियर किया था, और श्यामला शर्मा जी जो आपके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है,
आप उनसे भी पूछ सकते हैं अगर आपको इस पॉइंट पे पूरी नॉलेज नहीं है। उन्होंने उनको भी पता है कि हमको 2014 से पहले ही हमारे भाई साहब मुझे पूरा नॉलेज है, उन्होंने कहा था ये लोग प्लीज पूरा नॉलेज है, देखिए सुन लीजिए मैंने आपकी बात जो सूचियां बनी उसके बाद भी बहुत सारे लोग छूटे हैं, संजय जी सुनिए बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड नहीं मिला है, इन अफसरों ने इन मंत्रियों ने अपने घर में लोगों को लगा के संजय जी अगर बात आप सुनेंगे वो मेरी बात सुन लीजिए अपने से उनका पेज वगैरह कर लेते थे लेकिन रिकॉर्ड में नहीं थे। सुनिए 2014 से पहले 60,011 लोगों का रिकॉर्ड ऑथेंटिकेट हुआ था और कैबिनेट कमेटी ने उसको ऑथेंटिकेट किया था, श्यामलाल शर्मा जी भी उसके मेंबर थे, आज वो बीजेपी के एमएलए हैं। उसके मैं क्लियर बात करूं, हमारे चीफ ने साहब लिख के दिया था ये लोग मैंने एंगेज किए हैं, कश्मीर के चीफ ने लिख के दिया था। मैं पीएचई की बात करूंगा, एसेंशियल सर्विस हमारे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप ये कह रहे हो कि आपने एक एसआरओ बनाया पीडीपी के साथ मिलके एसआरओ 520, उसको 5 अगस्त 2019 के बाद क्यों बंद कर दिया गया, पहला नंबर मैं आपसे पूछ रहा हूं। दूसरा, मेरे भाई ने जैसे बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया, भाई साहब 94 से ये मुद्दा रुका हुआ है, 94 के बाद आप 3 बार सत्ता में 3 बार आए हो। ठीक है, जवाब लूंगी मैं इनसे सुखेंदर जी से इसी सवाल पर, क्योंकि 94 से मुद्दा अगर चल रहा है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी सरकार इस बीच में आई है, उन्होंने कितना काम किया इस पर जवाब लेंगे, लेकिन भी सरकार कई बार आई है 94 से लेकर आप देखिए 2014 तक, लेकिन ठीकरा आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी पर फोड़ रहे हैं। देखिए एक दो चीजें मैं क्लियर कर दूं कि जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि ये लोग ये इनका कोई ग्राउंड पे ये है नहीं है, तो मैं एक जरूर क्लियर कर दूं कि इसका मतलब ये सीधे सीधे जो रविंद्र जी हमारे बैठे हैं ये इनको उनका हिस्सा नहीं मानते गवर्नमेंट का। देखिए इन लोगों की वजह से मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आज भी अगर पीएचई या पीडीडी वर्कर्स एक दिन के लिए अगर हड़ताल पे चले जाते हैं तो जम्मू कश्मीर का कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा सिस्टम जो है वो बंद हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इनको ये मानना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं ये इस वक्त जम्मू कश्मीर की सरकार अगर एक तरफ चलाई दी है तो दो लोगों को अगर किसी की सबसे ज्यादा फैसिलिटीज अगर पड़ती हैं तो यही लोग हैं जो जम्मू कश्मीर को असल में चलाते हैं। तो दूसरा जैसे रविंद्र जी ने कहा कि 90 अगर आपको सब पता है कि किस तरह से फैसिलिटीज दी जा रही है, और सिर्फ डेली वेजर्स को लेकर बात नहीं कर रही हूं मैं रेबरे खेल को लेकर भी बात कर रही हूं, रेबरे जंगलात को लेकर बात कर रही हूं, होमगार्ड्स को लेकर बात कर रही हूं, करिए फिर मुद्दा हल। देखिए देखिए मैडम मुझे बोलने का मौका दीजिए, देखिए 94 से जो हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट और जैसे ये बहुत सारी स्कीम्स जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चलाई थी, इनका एक ही मोटिव था कि उस वक्त हमने जितना हमारा जम्मू कश्मीर का युवा जो एक तरफ हमारा पाकिस्तान पड़ोसी देश है वो कहना कि हमारे युवा को मिसगाइड करके वो अपने मफाद के लिए करता था, तो उस वक्त ये जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये इन लोगों को जॉब्स दिए थे कम से कम ये अपने घर का खर्चा। इस मुद्दे में पाकिस्तान का मुद्दा कहां से आ गया? एक चीज मुझे क्लियर करने दीजिए, होम गार्ड्स, देखिए कहां से आ गया? देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी ने कश्मीर में मिलिटेंसी अगर किसी ने कंट्रोल की थी तो उस वक्त जो हमारी थी एसपीओ बनाए गए थे, तो कहीं ना कहीं अगर आज ये चीज कही जाए कि ये लोग ग्राउंड में कहीं ना कहीं नहीं है, तो मैं एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आज ये लोग अगर लगे हुए हैं ये उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक अच्छी नीति के तहत लगे, आज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब अच्छा काम किया है तो अच्छा किया है, जब नीति लाई है तो लाई है, 87 का समय नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देखा है, 90 से 96 तक का समय देखा है, 96 के बाद 2014 तक का भी देखा है, 2002 का भी देखा है, लेकिन अब मुद्दा चल रहा है कि जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं उस पर काम करने की जरूरत है। देखिए मैं ये चीज क्लियर कर रहा हूँ, इस 10 सालों में बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता या किसी के लीडर के मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकला कि ये डेली विजर है, अगर इनको हम पक्का कर देते। मैं आज भी अपने बीजेपी के प्रवक्ता को कहता हूँ, सारी पावर आपके पास है, हर डिपार्टमेंट आपके पास है, सारा एलजी आपका है, सेंटर आपका, आप कल ही अनाउंसमेंट करवा दीजिए कि आप हमने जितने भी डेली विजर है उनको पक्का कर देते, तो आपके पास है करवा दीजिए मसले का हल। देखिए सबसे देखिए मैं अभी मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि उमर अब्दुल्ला जी को कहिए कि कल वो इस्तीफा दे दें, उसके बाद हम अनाउंसमेंट करते हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी असल में बात यही है, आप लोगों के पास तो मुद्दा ही नहीं है, आप लोग जम्मू कश्मीर में रिजेक्टेड हो चुके हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, ये सारे गंभीर मुद्दे हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, देखिए ये सारे गंभीर मुद्दे हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीतियों की बात कर रहे थे, जहां इनके राज में
अंडर ग्रेजुएट लोग जहां जेकेएस में एंजॉय करते रहे हैं और आज भी बहुत सारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे हैं जो उन्होंने लगवाए हैं। संजय जी, मैं उस पे नहीं जाऊंगा, देखिए गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे। संजय जी, एक बात का जवाब दीजिए, क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला इस्तीफा देंगे उसके बाद आप इन लोगों को राहत देंगे? जवाब दीजिए। संजय जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, जवाब दीजिए। आप लोग उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे का इंतजार कर रहे हैं कि वो पहले इस्तीफा देंगे उसके बाद लोगों को राहत देंगे, कुछ ऐसा? नहीं, मैं देखिए आम लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं, संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जहां जो सरकार बनी है हमने कहा है कि जो भी कार्य लोगों के हित में जहां होंगे हमारा पूरा समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को होगा, लेकिन कहीं भी भेदभाव की बात आएगी तो विपक्ष के नाते हम उसके तो फाइल्स बनी पड़ी है उस पर मोहर लगाइए। ताज जी बताइए जरा कहाँ तक अब डॉक्यूमेंटेशन पहुंची है, रेब्रिक खेल की कहाँ पर है, होमगार्ड्स की कहाँ पर है? समाप्त कर रहा हूँ। एक छोटी सी बात कह के मैं समाप्त करूंगा। देखिए ये सारे गंभीर मुद्दे हैं, ये काफी देर से पेंडिंग है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमने 10 साल कुछ नहीं किया। भाई साहब पहले आप ये तो बताइए कि ये किस प्रावधान के तहत आप लोगों ने लगाए थे ये लोग, क्योंकि इसमें टेक्निकल बहुत प्रॉब्लम थी, एक पॉलिटिकल डिसीजन इसमें होना चाहिए और हमारा पूरा समर्थन इस सरकार को होगा। तो लेकिन ये इस तरह की बातें करेंगे कि हम अनाउंस कर दें, तो अगर हमने अनाउंस करना है तो फिर इस्तीफा देने पास भी आ रही हूं जवाब सरकार से बाहर हो जाए। बहुत देर से हाथ उठाया है उन्होंने। ताजी देखिए संजय भाई मैं वापस आ रही हूं आपके पास जवाब। संजय भाई जी एक चीज बताइए, 14 से लेके 18 तक आपकी सरकार रही पीडीबी के साथ, आप ये मसले को हल कर सकते थे। उसके बाद एलजी साहब रहे, पूरी पावर एलजी साहब के पास थी। 14 से लेके 24 तक बीजेपी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरे मौके थे, वो कर सकती थी, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन हमारे लोगों के जूते नहीं, पाँव घिसके चाहे आपके ऑफिसों के चक्कर लगाते, चाहे आपके ऑफिसों में प्रोटेस्ट करते हुए, हम ये जानते थे कि इस टाइम पूरी की पूरी पावर होम मिनिस्टर साहब के पास है, वो चाहें तो कर सकते थे। अगर धारा 370 टूट सकती है, 38 टूट सकता है, तो क्या ये डेली वेज का मुद्दा इतना बड़ा नहीं है? आप टेक्निकल मुद्दा मत कहिए। चलिए संजय जी जवाब दीजिए, लीगल तौर पे लगे हैं। डेली वेजर्स, जंगलात, होमगार्ड्स, एनआईसी, जो भी लोग प्रदर्शन करें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, गुमराह मत कीजिए प्लीज। चलिए जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं गुमराह मत कीजिए। देखिए इसमें ऐसा है कि ये जो मैंने जैसे पहले कहा है, ये तो भाई साहब सिर्फ पीएचई की बात कर रहे हैं, जितने भी ये डेली वेजर्स अलग अलग विभाग में है, चाहे बिजली विभाग में है, दूसरे विभागों में है, ये इनको पंजीकरण प्रॉपरली करने का कार्य जो है हमारी गठबंधन सरकार के समय में हुआ, लेकिन बाद में जहां सरकार बीच में टूट गई उस वजह से धीरज सलारिया ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है, अध्यक्ष हैं रेबरे खेल से। और अभी बहुत बहुत स्वागत धीरज जी। डिसीजन है, इसमें टेक्निकलिटीज है, प्रॉब्लम है, इसमें सीधा रेगुलर नहीं कर सकते उनको, लेकिन हिमाचल सरकार ने भी जो डेली वेजर्स के लिए कानून बनाया, ठीक है, तब से आप लोग डेली वेजर्स पर ही मुद्दा घुमाए हुए हैं, क्योंकि रेबरे खेल को लेकर भी बात कर लेते हैं। धीरज जी आपका मसला कहां तक पहुंचा है? सरकार तो कह रही है कि बहुत ही जल्द अब दावों पर काम किया जाएगा, लेकिन रेबरे खेल, रेबरे जंगलात कहां पर है, किस तरह से काम चल रहा है बताइए सर। शुक्रिया मैम, आपने हमें मौका दिया यहां बोलने का। तो मुद्दा मैम हमारा जहां था फिलहाल वहीं पे है अभी तक, जहां हम जॉब कर रहे हैं वहीं पे हैं अभी। तो बताइए डिमांड्स अपनी, बीजेपी के भी स्पोक्सपर्सन है, डिमांड कॉन्फ्रेंस के भी है, दोनों आपके सामने। रेगुलराइजेशन की थी पहले भी, डिमांड रेगुलराइजेशन की थी हमारी, आज भी रेगुलराइजेशन की डिमांड है हमारी। सुखविंदर जी रेगुलराइजेशन को वो लेकर बात कर रहे हैं। देखिए मैं ये रेब्रिक खेल के जितने प्रवक्ता जी बोल रहे हैं मैं इनकी बात का कदर करता हूँ। देखिए मैं एक दो चीजें क्लियर करूं, जैसे बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन ने ये कहा कि देखिए ये एक इन्होंने ये किस आर्टिकल के तहत लगाई उस वक्त ये क्या, देखिए हमने लोगों के हाथों में जॉब्स दी हैं, उनके परिवार चलाए हैं, ना कि आपकी तरह लोगों के हाथ में पत्थर दिए खाली मारने के लिए। अगर आपको इस वक्त ये लगता है कि जम्मू कश्मीर में जितना भी डेली वेजर, जितने भी हमने उस वक्त स्कीम चलाई है,
आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। आप एक मिनट में पत्थरबाजी हुई थी। नहीं एक मिनट पत्थरबाजी एक मिनट आऊंगी एक सेकंड। संजय जी थोड़ा सा जवाब लेने दीजिए। आप आपने रेवरी खेल को लेकर जवाब लेने दीजिए संजय जी। आपके पास पत्थरबाजी की बात बात कीजिए। आपको मैं एक चीज में एक वर्ड में आपको क्लियर कर दूं। एक यूपी बिहार उत्तराखंड झारखंड में जितनी पत्थरबाजी हो रही है इतनी कश्मीर में नहीं हो रही थी। उस चीज को आप मत छेड़िए। आपको इस वक्त अभी कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी हो रही है क्या सुखेंद्र जी? सुखेंद्र जी मुद्दे को जो आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ना पूरी डिबेट में सुखेंद्र जी ऐसे नहीं चलेगा। आप ये जो चीजें कह रहे हैं ना कि इस वक्त मुद्दे की बात ये हो रही है कि डेली वेजर्स रेवरी खेल रेवरी जंगलात होम गार्ड एलवाईसी उन पर क्या काम करना है। मैं यही चीज क्लियर कर दूं आपको। देखिए जहां तक ये स्कीम्स है ये बहुत सारी स्कीम नेशनल गार्ड ने इसलिए लाई थी कि यहाँ का युवा जो है वो अपने पांव के ऊपर खड़ा हो सके अपना घर बार चला सके। आज इनके पास 10 साल थे ये एक चीज नहीं बोलते इनके पास क्या था उस वक्त इनके पास 10 साल थे। धीरज जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप ही लोगों के लिए स्कीम्स लाई गई थी कि आप लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। जम्मू एंड कश्मीर है ठीक है सुखेंद्र जी ये मुद्दे हमें पता है बीजेपी इस वक्त बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकी। उन्होंने हर वो हर बार यूज किया जम्मू कश्मीर में। ठीक है सुखेंद्र जी उमर अब्दुल्ला को इस्तीफा देना। मैं इनसे एक चीज कह रहा हूँ सुखेंद्र जी एक ही बात को 10-10 बार मत घुमाइए प्लीज। समय कम है मेरे पास। मैं यही धीरज जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्कीम को इसलिए लाया था ताकि आप लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं तो खड़े तो हो गए। ये नहीं है कि खड़े हो जाएं। चलो ठीक है एक रोजगार मिला सबको मिला लेकिन बेसिकली मैम की 6,000 से घर नहीं चलता किसी का। बेसिकली ये जो स्कीम लाई थी ना ये पीडीपी ने और बीजेपी ने लाई थी। ये गवर्नमेंट ने स्कीम लाई थी उनकी गवर्नमेंट थी तब ये। उसके बाद गवर्नर रूल में हमने ज्वाइन किया था तो उसके बाद हम ये डिमांड कर रहे थे कि जैसे आरईजी टीचर परमानेंट हुए हैं उसी बेस पे हम भी परमानेंट होते। तो आपको बताए मैम आपने बड़ा हमारा प्रोटेस्ट भी कवर किया है। जब हमने प्रोटेस्ट किया था 54 डेज का प्रोटेस्ट हुआ था सबसे लॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट जो हमारा हुआ था यहाँ पे जो कंटिन्यू प्रोटेस्ट चला था। डेली बेसिस का प्रोटेस्ट तो चलता रहता है। आज हमारे साथ सरदार जी हमारे हैं जो काफी देर से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं तो इनकी डिमांड भी जेन्युइन है। तो मैम बेसिकली उसके बाद हमने जब ज्वाइन किया था अब 6,000 से हमारा घर नहीं चलता है मैम। जो पॉलिसी हमारे लिए बनाई गई है उसके 6,000 से घर नहीं चलता हमारा। देखिए और पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट में लाई गई थी। मैं अपने भाई को एक चीज क्लियर कर दूं। जब आपकी 6,000 पे थी तब हमारा देश में पेट्रोल जो है वो 60 रुपए लीटर था। तब हमें जो सरसों का तेल है वो 50 या 60 रुपए लीटर। मेरी बात सुनो आज 250 रुपए किलो। एक चीज आप मेरे भाई एक चीज आप सुन लीजिए। आप एक चीज सुन लीजिए। जब 6,000 पे आपकी बनाई गई थी तब हमारी महंगाई थी। मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि आज 6,000 से नहीं चलता घर। मगर आपको ये भी क्लियर होना चाहिए 10 साल आपके पास आपकी बीजेपी सरकार यूटी रही। अगर आप आज ये आप लोगों को ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। एक मिनट मौका देंगे आप बोलने के लिए सर। बोलिए सर मैंने बहस नहीं करनी है। मैंने एक मिनट के मौका चाहिए मुझे सर। बेसिकली ना जो रेबरी खेल टीचर्स लगे हैं ना मैं सतनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीच में तो मैं वो नहीं बोलूंगा कि मैं डेली बेसिस के लिए या किसी और के लिए नहीं बोलूंगा कुछ भी। मुझे अपनी बात करनी है थोड़ी सी। बेसिकली जो हम लगे हैं टीचर्स हम जो टीचर्स लगे थे हमारा क्राइटेरिया था एक हम जो ग्रेजुएट टीचर था जो एमपीएड तक था पीएचडी तक टीचर था वहाँ वो लगा हुआ है। यहाँ पे हम एक रैब्रिक तालीम की पैटर्न पे एक पॉलिसी बनाई गई थी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में उसमें हम लगे हैं। तो सर बेसिकली हमारा हम ये डिमांड करते थे बाकी सबका जो डिमांड थी वो 7 साल की थी। 5 साल की डिमांड थी। 5 साल पे रैबरे तालीम टीचर्स परमानेंट होते थे। हम जो थे हम 7 साल का टाइम दिया था। हम ये कहते थे कि हमारा 5 साल किया जाए तो उसी डिमांड पे हम ये कहते थे कि हमारा 5 साल किया जाए तो हम लोग भी हमें जस्टिस मिले। सुखेंद्र जी जवाब दीजिए जल्दी से। एट द एंड सर हम ये नहीं कह रहे क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि वो कह रहे कि 7 साल क्यों किए गए 5 साल ही होना चाहिए था टाइम पीरियड। देखिए मैं अपने भाई को ये क्लियर कर दूं। आप मुझे एक चीज क्लियर कर दिए। जब आपने ये डिमांड रखी थी कि ये 7 साल के बाद 5 साल की जाए आप कौन से सन की बात कर रहे हैं कौन से ईयर की बात कर रहे हैं 2019 की बात करें सर हम तो आप ये क्लियर कीजिए ना वहाँ
नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी या बीजेपी और पीडीपी की कर रही थी? गेंद तो आपके पाले में आ गई अब 2019 सर, बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, यही चीज तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। उस वक्त पीडीपी और बीजेपी 2018 में खत्म हो चुका था, आज यूटी है, आज भी यूटी है, बीजेपी है। तो आपको ये डिमांड, संजय जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी चीज के बोलने से पहले आप संजय जी जवाब दीजिए। अरे सुखविंदर जी, अभी तो सरकार आपकी है, देखिए अब आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। 2019 में क्या हुआ, अब आपको वो लेकर नहीं चलना है कि 2019 में हुआ था वही आप देखेंगे, इस तरह से नहीं चलता है। संजय जी जवाब दीजिए जल्दी से। आज हमारी सरकार बने 15 दिन हुए, हमारे पास पावर नहीं है। हाँ तो इस तरह से बोल सकते हैं ना कि आने वाले समय में जल्द से जल्द आप लोगों का मुद्दा उठाया जाएगा। मैंने आपको यही कहा, हमारी फर्स्ट असेंबली 4 अक्टूबर को स्टार्ट होने वाली है, उसमें बहुत सारे मुद्दे आपको सुनने में मिलेंगे, 4 नवंबर बहुत सारी स्कीम्स भी मिलेंगी आपको। ताजी देखिए, देखिए मैम, आज भाई साहब कह रहे हैं कि 15 दिन सिर्फ सरकार बने हुए हुए हैं, हम मानते हैं कि अभी सरकार ने ओथ लिया है, काम शुरू होने में समय लगेगा, लेकिन आज अच्छा होता। लेकिन संजय जी, केंद्र के अंदर आपकी सरकार है, आप भी इस पर काम कर सकते हैं, कोई दोराह ही नहीं है। ताजी छोटा सा कमेंट कीजिए प्लीज। हम तो कह रहे हैं हमारा जो भी समर्थन होगा पूरा सरकार करेंगे, लेकिन बीजेपी समर्थन लेने के लिए आप देखिए गोल घुमाए जा रहे हैं, बात कुछ हो रही है जो किसी बात में आ जा रहे हैं। मतलब अब तो मिलकर काम करने की जरूरत है ना, क्योंकि जम्मू के अंदर फुल फ्लेज तौर पर बीजेपी आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के अंदर, अब सरकार को यहाँ केंद्र सरकार के साथ मिलकर तालमेल बनाकर काम करने की जरूरत है, जिसमें आम लोगों के मुद्दों को अब उजागर करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी जुड़ने के लिए, संजय जी आपका भी धन्यवाद, और सुखविंदर जी आपका भी, ताज जी आपका भी। तो फिलहाल अब सरकार का जब पहला यहां पर आप देखिए असेंबली का सेशन शुरू होता है, तो उसमें इन मुद्दों को उठाने की जरूरत है जिनकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। आप देखते रहिएगा।